Even in the comment box or the chat box of the last videos, also not only through the social media like WhatsApp or Facebook, Instagram, even on the comment box of the last video, I have received this question. Question is that if there is an agreement between the MSME registered company and other company, means MSME registered vendor and other company have an agreement for payment within any day.

अपने वेंडर के साथ एग्रीमेंट में मेंशन किया कि हम लोग पेमेंट आपको देंगे 60 डेज में या 75 डेज में दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया बट जो वेंडर था एमएसएमई में रजिस्टर भी था बट उसने एग्री कर लिया कि आप मुझे 60 डेज में या 75 डेज में या 90 डेज में पेमेंट कर देना अब अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट कंपनी ने पेमेंट की सेवेंटी डे पे तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट तो आपका कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ सो so अब यहां क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा वेंडर है जिसके साथ कंपनी ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है फॉर पीरियड मोर देन फोर्टी फाइव डेज तो उस केस में क्या उस एंटिटी की डिटेल्स एमएसएमई एस वन फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी इसके लिए हमें का का एक section read करना पड़ेगा आप जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हो ना एमएसएमई की एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा एक्ट सिक्स इज अ वेरी स्मॉल एक्ट In comparison to the Companies Act, I must tell it is just a 1% of the Companies Act or 2% of the Companies Act. I suggest to everyone, please, please go through the MSME 1 Act or the MSME Act 2006. It's uh, my request or suggestion for everyone to go through the MSME Act. It will give you a lot of knowledge. As I have picked section 15 from the MSME Act, it says that in no case, period. एग्रीड बिटवीन सप्लायर और बायर इन राइटिंग शेल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 15 में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है किसी भी केस में बायर और सप्लायर के बीच जो एग्रीमेंट है अगर सप्लायर जो सप्लायर है अगर वो एमएसएमई एस एम रजिस्टर्ड वेंडर है तो इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट है दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड मोर देन 45 डेज मतलब एक्ट ने मेंशन कर दिया कि 45 डेज से ज्यादा का एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता अगर आपने 45 डेज से ज्यादा की पेमेंट टर्म के लिए एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं रहेगा तो एमएसएमई एक्ट टू थाउजेंड इज वेरी क्लियर You have to make payment to your MSME vendor within 45 days. If you have any agreement with MSME vendor for payment after 45 days, that agreement shall not stand valid under MSME Act. Therefore, one can opine that agreement between the supplier and buyer for payment after 45 days does not have any effect in the filing of MSME 1 because, as per MSME Act, supplier and buyer cannot decide more than 45 days. सो मैक्सिमम पेमेंट टर्म बिटवीन एमएसएमई वेंडर और ई वेंडर और बायर कैन बी 45 डेज 45 डेज से ज्यादा का एग्रीमेंट वो कर ही नहीं सकते हैं 45 डेज से ज्यादा का एग्रीमेंट अगर वो करते हैं तो भी वो एग्रीमेंट एमएसएमई में वैलिड नहीं माना जाएगा सो so, अगर अब आप आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी है किसी वेंडर के साथ फोर्टी डेज के बाद पेमेंट करने का दैट एग्रीमेंट विल नॉट स्टैंड वैलिड अंडर द एमएसएमई टू मेंशन डिटेल ऑफ सच वेंडर अंडर एमएसएमई हो By this video, a big doubt has been clear to all of you. If you still have any query, any caution, you can mention in the comment box, in the chat box, through WhatsApp, you can ask to me. Please subscribe the channel and share the video with your friends, colleagues, and the groups. Thank you so much.